अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है सबके। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हम जा रहे हैं बच्चों को ड्रॉप करने के लिए। मौसम आज कुछ खास नहीं था और तबीयत भी ख़राब थी। बिल्कुल भी मूड नहीं था कि मैं आज जाऊँ कहीं भी मॉर्निंग में, लेकिन बच्चों के फोर्स करने पर मुझे आना पड़ा उनके साथ। काफ़ी टाइम से अब तो मैं नहीं जा रही हूँ मॉर्निंग्स में, तो वो काफ़ी यूज़ टू हो चुकी थी कि मैं उनके साथ नहीं जा रही थी। लेकिन कभी मॉर्निंग में ऐसा होता है कि वो थोड़ा सा लो फील कर रही होती हैं, तो फिर मुझे जाना पड़ता है और मुझे ख़ुद भी अच्छा नहीं लगता कि मैं उनको इस मूड के साथ स्कूल भेजूँ। बच्चों को ड्रॉप करके हमें जाना था टेस्को, लेकिन मैं अपना कोट बिल्कुल भूल चुकी थी और बारिश एकदम से इतनी तेज़ शुरू हो गई थी कि फिर मुझे गाड़ी में बैठ कर वेट करना पड़ा था। ग्रॉसरी करने जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वापस आके वो सब चीज़ें जब समेटनी पड़ती हैं तो वो भी एक पूरा टास्क लगता है, और सर्दी में तो मुझे कोई काम करना एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। एनीवे, मैं साथ में करने स्टार्ट कर दिया था अपना किचन साफ़, क्योंकि नाश्ता बनाने से पहले मुझे अपना किचन बिल्कुल साफ चाहिए होता है। उसके बाद मैंने बनाया मियाँ जी का ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में मैं बना रही थी एग टोस्ट एंड बेक बीन्स। मुझे जब फ्राइड एग बनाना होता है तो मैं बहुत आराम से उसको डालती हूँ, बिकॉज़ अगर योग टूट जाए तो मुझे बहुत अफसोस होता है, बिकॉज फ्राइड एग खाने का मज़ा ही तब आता है जब आपकी योग जर्दी पूरी होती है। मेरा अपना बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कुछ भी बनाने को या खाने को, तो मैंने सोचा कि मैं बस ग्रीन टी के साथ अपनी एक कुकी ले लेती हूँ। अक्सर होता है कि मैं बस कॉफ़ी या फिर ग्रीन टी मॉर्निंग्स में ले लेती हूँ क्योंकि मेरा दिल नहीं चाहता। उसके बाद मैंने अपनी सफ़ाई की किचन की, और कुछ डस्टिंग करनी थी वो मैंने जल्दी से की, और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था एकदम से, सूरज निकल आया था, तो हमने सोचा कि टाइम भी है दिन में तो हम जाके जिम हो आते हैं जल्दी से। ये जिम काफ़ी क्वाइट होता है, और जब जिम क्वाइट होता है तो काफ़ी मज़ा आता है जिम करने में। और इसके साथ ही बाहर इसका एक रनिंग ट्रैक है जो बिल्कुल एम्प्टी होता है, और अगर धूप निकली हुई हो तो वहाँ पर रनिंग करने का काफ़ी मज़ा आता है। तो आज धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई थी, तो हमने सोचा कि इंटर करने के बाद हम लोग एक या दो राउंड वॉक या फिर हम रनिंग कर लेते हैं, तो हम वो रनिंग करने के लिए यहाँ पर ट्रैक पर गए थे और बिल्कुल एम्प्टी था। जिम से हम फारिग हो चुके थे, तो हमने सोचा कि जल्दी से जाकर अपने दूसरे घर पर काम देखाते हैं, बिकॉज़ आजकल बाथरूम का काम चल रहा है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इस पार्ट के लिए, बिकॉज़ बाथरूम को डिज़ाइन करने में मैंने सबसे ज़्यादा टाइम लिया था, तो अब मुझे अपना एक एक स्टेप होते हुए देख कर बहुत मज़ा आता है। घर आते साथ मैंने अपने 2 to 3 पार्सल्स रिसीव किए, तो बस मैं वही ओपन करने लगी थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी दिखाती हूँ कि मैंने क्या कुछ लिया है। परफ्यूम्स मैंने ओपन कर चुकी थी, फर्स्ट टाइम था इस परफ्यूम का, तो मुझे बस जल्दी हो रही थी कि मैं इसको चेक करूं कि ये कैसी है, बिकॉज़ ये मैंने बस अच्छी डील पर मिल रही थी जिसकी वजह से मैंने इसको ऑर्डर कर लिया था। सो ये मुझे बहुत अच्छी लगी है, काफ़ी टाइम से परफ्यूम्स नहीं ली, तो मैंने सोचा कि मैं ऑर्डर करती हूँ, मुझे जो जो अच्छी डील पर मिल रही थी। नॉर्मली मैं इस तरह से ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करती हूँ अगर मैंने परफ्यूम ट्राई नहीं की होती। दूसरी मैंने ये ट्राई की हुई थी बट मैंने इसको अभी ओपन नहीं किया है। मैं काफ़ी टाइम से लेना चाह रही थी बिकॉज़ मेरी ख़त्म हो चुकी थी, और आते साथ सबसे पहले ओपन किया था। ओह सो गुड, इस पर हार्डली आपको कोई डील्स मिलती हैं, तो मैंने फिर कुछ परसेंट ऑफ था तो फिर मैंने ले ली थी, बिकॉज़ इससे ज़्यादा ये नीचे नहीं जाने वाली थी। तो या एक मैंने ये परफ्यूम ली थी, मेरे पास परफ्यूम बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। एक मैंने ये ब्लैक ओपियम ली थी YSL, और ये भी मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ली थी, अच्छी नहीं लगी है, बस ठीक है ले ली थी, शायद नेक्स्ट टाइम मैं कभी ये लूँ ना। उसके अलावा ये भी मेरी परफ्यूम बहुत ज़्यादा फेवरेट है बट मैंने अभी खोली नहीं है। एक ली थी डियोर की, मिस डियोर, और इसकी पैकेजिंग इतनी प्यारी है कि मेरा दिल ही नहीं चाह रहा कि मैं इसको ओपन करूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैंने फ़र्स्ट टाइम ली है और मुझे इस पर काफ़ी अच्छी डील मिली थी तो मैंने ले ली थी। और जंपर एंड शर्ट, ये इनके स्कूल में क्रिसमस प्ले आ रहा है जिसमें उसने एल्फ बनना है, एंड उसके लिए उसे चाहिए था प्लेन ग्रीन टी शर्ट एंड स्कर्ट और शॉर्ट्स कुछ भी, जिसके लिए मैंने ये लिया था। लेकिन इसके अलावा ये सीक्वेंस जैकेट ऑर्डर की थी जिसको नाइट आने वाली है स्कूल में, जिसके लिए उनको कुछ भी ऐसे स्पार्कली ग्लिटरी चाहिए होता है। दूसरा मैंने ये जंपर लिया था, और ये ज्वेलरीज मैंने ली थी उनकी,
बिकॉज उसका पर्पल फेवरेट कलर है, तो मैंने सोचा उसको जो भी अच्छी लगेगी वो पहन लेगी। एक ये रेड मैंने ली थी इसी के साथ, बिकॉज मैं उसकी रेड और ब्लैक के साथ कॉन्ट्रास्ट करूँगी उसकी पार्टी पर। वो आज बहुत एक्साइटेड होने वाली है दोनों अपनी चीज़ें देखते हैं। छोटी छोटी ज्वेलरीज लेके देना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। सारा को ओपन करते हैं आप। ये मैंने एक कोट लिया था, दिस दिस बीच में मैंने पोज कर दिया था और मैंने सब कुछ अपना वाइंड अप कर लिया था। एक्चुअली मैंने परफ्यूम ऑर्डर की थी, मैं नॉर्मली बच्चों की परफ्यूम्स नहीं लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बच्चों की परफ्यूम्स ले लूँ कोई, और ये इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं थी। हालाँकि अक्सर परफ्यूम्स अच्छी निकल आती हैं, तो मैंने ये बच्चों के लिए ली थी, एक एक दोनों के लिए, बिकॉज उनको बहुत शौक होता है कि वो परफ्यूम यूज़ करेंगे। जैसे मैंने पैकेज ओपन किया, ये लाइक टूटी हुई थी इसके अंदर की दूसरी वाली, सो मैंने उनसे कॉन्टेक्ट किया और उन्होंने मुझे लाइक कहा है कि आप ये वाली परफ्यूम रख लें, बाकी आपको रिफंड कर देंगे हम आपको। डिनर में मैं बनाई थी अचार गोश्त, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर कर देती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। इंग्रेडिएंट्स मैं मेंशन कर दूँगी कि मैंने कितनी चीज़ कितनी ली थी, और बहुत इजीली और क्विकली बन जाता है, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। टेस्ट आपका वैसे ही अचीव हो जाता है जब आप बाहर का मसाला यूज़ करते हो, बाकी आपकी बेसिक भुनाई होती है जो आपको बस सीखनी पड़ती है और उसमें से स्मेल नहीं आना चाहिए। बाकी खाना बनाने में कोई वो मुश्किल चीज़ नहीं होती। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको बेसिक चीज़ों से स्टार्ट लेना चाहिए, बेसिक रूल्स कुकिंग के अप्लाई करने चाहिए, उसके बाद आपके लिए मुश्किल कुछ भी नहीं होता है अगर आपने कुकिंग करनी है तो। इंग्रेडिएंट्स मैंने मेंशन कर दिए हैं, सब चीज़ों को डालकर आपने मिक्स करके उसको पकने के लिए रख देना है एटलीस्ट 40 to 45 मिनट्स के लिए, जब तक आपका गोश्त गल नहीं जाता। उसके बाद ऑयल डालें, उसको अच्छे से भूनें, और उसके बाद ग्रीन चिलीज़, फ्रेश कोरिएंडर और फ्रेशली चॉप जिंजर डालकर सर्व करें। खाना खाने के बाद हमारा दिल चाह रहा था कि हम कोई फैमिली मूवी देखें, तो हमने बस मूवी नाइट की और मैं साथ में बैठ के अपनी फ्रेंड्स के साथ गेम खेल रही थी। रात में बैठ के ये दोनों नेल पॉलिश लगा रही थी, तो मुझे काफ़ी क्यूट लग रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं इनका ये क्यूट सा मोमेंट भी रिकॉर्ड करती हूँ और इसी पर करते हैं व्लॉग को एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे, टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय।